मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सुबह से मूसलाधार बारिश के बाद कई जगहों पर जलजमाव हो गया है। भोपाल के हमीदिया रोड में इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप को बंद करना पड़ा है क्योंकि जो बारिश का पानी है वो सड़क से होता हुआ पेट्रोल पंप तक घुस गया है, जिसके बाद पेट्रोल पंप को फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही है कि किस तरीके से राजधानी की हालत है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है जहाँ पर सरकार बैठती है और भोपाल नगर निगम के ऊपर जिम्मेदारी है भोपाल की सड़कों के रखरखाव की। लेकिन आप हालात देखिए, पूरा जो पानी है सड़क पर भरा हुआ है और उसके बाद यही पानी अंदर पेट्रोल पंप तक घुस गया है, जिसके बाद पेट्रोल पंप को फिलहाल बैरिकेड लगाकर कर्मचारियों ने बंद कर दिया। ये तस्वीरें अपने आप में हैरान करती है क्योंकि ये राजधानी की तस्वीर है, किसी दूर दराज के इलाके की नहीं। और ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर बार बारिश के पानी में भोपाल नहीं डूबेगा का दावा करने वाला भोपाल नगर निगम एक बार फिर से यहाँ पर असफल हुआ। उसका दावा जो है उसे बारिश ने पूरी तरीके से धो दिया है। और ये जो तस्वीरें हैं, रविवार को जो बारिश हुई थी तेज बारिश, उसके बाद सोमवार सुबह भी तेज बारिश का दौर चला और ये तस्वीर है उसके बाद राजधानी भोपाल की सड़कों पर देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी बारिश का ये दौर भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में जारी रहेगा। देखना यह है कि इस तरीके की बारिश से बचने के बाद, बारिश को होने के बाद जो स्थानीय एजेंसियां हैं वो पानी की निकासी की ओर कितना गंभीर हो पाती है। कैमरामैन इजाज के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल।